नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो चंडीगढ़ पीआरटी का पेपर हुआ था, तो इससे पहले मैंने जीके और रीजनिंग का सॉल्यूशन डाल दिया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स के अंतर्गत आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस की, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता 136, जो कि साइंस का क्या पूछा गया। यदि पतले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लोह चूर्ण में मिलाया जाए तो क्या होता है? तो भाई, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस एवं लोह क्लोराइड का उत्पादन होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 137 देखते हैं कि एक मिश्रण कुचले हुए अंडे के घोल के साथ प्रक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूध या बना देता है। तो मिश्रण में होता है, तो मिश्रण में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि बताइए 138, लोहे की तलने की कढ़ाई को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उत्तम मानी जाती है? तो भी इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक की परत लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए 139, यदि खाने बनाते हुए किसी बर्तन की बाहरी सतह काली पड़ जाती है तो इसका अभिप्राय क्या समझते हैं हम? तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि ईंधन पूरी तरह से जला नहीं है या जल नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। 140 का राइट आंसर क्या आएगा कि तत्व एक्स एक क्लोराइड बनाता है जिसका सूत्र HCl2 है, जो उच्च गलनांक ठोस है। एक्स तत्वों की आवर्ती सारणी के उस समान समूह में होने की संभावना ज़्यादा है जिसमें क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। Mg जो इसका राइट आंसर आ जाएगा 140 का, तो बी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। 141 क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में किडनियों एक प्रणाली हिस्सा है जिसका कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 141 का सी आ जाएगा, मलोत्सर्जन आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 142 देखते हैं क्या पूछा उसने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन है? तो प्लांट हार्मोन आप सभी को पता ही है भाई, डी होगा इसका राइट आंसर, साइटोकिनोन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 143 में क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किस में अलैंगिक प्रजनन नवोदित के माध्यम से बनता है? तो वे येस्ट मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 143 का। 144 क्वेश्चन देखते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से सजातीय अंग कौन सा है? सजातीय अंग की बात कर रहा है, हमारी भुजा और कुत्ते की अंगली टांग, ये भी ठीक है भाई। फिर उससे आगे पूछ रहा है आलू और घास के धावक, ये भी ठीक है। हमारे दांत और हाथी के दांत, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इनमें से सभी आ जाएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। 145 क्वेश्चन में क्या पूछा कि शब्दकोश में छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो भाई मैं लेंस कौन सा इस्तेमाल करना चाहूँगा बताइए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला उत्तल लेंस मैं प्रयोग करना चाहूँगा, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है 146 में कि निम्नलिखित में से किस के क्रियान्वयन होने पर आंख के लेंस की फोकल लेंथ में परिवर्तन आता है? तो ये तो भाई कॉमन क्वेश्चन था, सभी को पता ही होगा, सिलरी मसल के अंतर्गत परिवर्तन आता है। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 220 वोल्ट एवं 100 वोल्ट की दर वाले बिजली के बल्ब को 110 वोल्ट पर संचालित किया जाता है तो बिजली की खपत क्या होगी? तो भाई इसका 25 वाट आ जाएगा राइट आंसर। तो इसका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं 148, शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत सर्किट में करंट क्या होगा? तो 148 का जो राइट आंसर रहेगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। फिर है 149 का कि भाई ऊर्जा के बहुत से स्रोत जिनका हम इस्तेमाल करते हैं स्टोर्ड और ऊर्जा के प्रतीक है, निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा से क्या प्राप्त नहीं होता है? क्या प्राप्त नहीं होता बात कर रहा है, तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 150 क्वेश्चन, बताइए कि भाई निम्नलिखित में से पर्यावरण अनुकूलन कार्य अभ्यास कौन कौन से हैं?
तो वही कौन कौन से बात कर रहा है, तो खरीदारी करते समय कपड़े पर बैग लेकर चलना, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने साइंस के भी कर लिए, रीजनिंग कर ली, जीके कर ली। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।